हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, कुछ उस दिन के, कुछ पुराने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यूज हो सकते हैं, राइट? और किस तरह से इनकी एप्लीकेशन है, किस तरह से अपने मेंस के आंसर को बेटर किया जाए, उस चीज़ों पर भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर हम न्यूज़ पे सबसे पहले आए, तो सबसे पहली न्यूज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ होप, जो कि यूएई का फर्स्ट मिशन है टू मार्स। इसके बाद देयर इज अ न्यूज अबाउट एक प्रोजेक्ट है, हाइडल पा प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जिसका नाम की आजाद पटन है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, ये पीओके रीजन में आता है, राइट? तो कितना पाकिस्तान का इस पे हक है इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने का, इस पे भी देयर विल बी अ डिस्कशन। नाउ अगर आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ी है, बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी हाल फिलहाल में, तो वो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होगी, लेकिन देयर इज अनदर स्टडी व्हिच सेज कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही श्रिंकिंग भी होगी। तो उसमें भी विल डिस्कस कि किस तरह के आर्टिकल्स आए हुए हैं। देन कार्बन सब्सिडी की बात है। वैसे तो अगर आप ध्यान दो तो सभी जगह कार्बन टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहता है इवन दो अगर आप कार्बन टैक्सेस लगाते हैं तो भी यूजुअली कंट्रीज की पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो कार्बन टैक्स की जगह कार्बन सब्सिडी दे देते हैं। किस तरह से, दिस विल बी डिस्कसिंग। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि पोस्ट कोरोना टाइम्स में यूएस और चाइना की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, राइट? इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। एंड द लास्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि इन क्योंकि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंडिया अब कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन सर्टन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं इंडिया इज़ लुकिंग फॉर डिफरेंट पार्टनर्स नाउ, एंड ईयू हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वन सच पार्टनर जिसके साथ इंडिया जो है अपने ट्रेड टाइज को बूस्ट करना चाहता है, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है आपका अबाउट होप। बहुत सिंपल है, होप जो है यूएई का पहला मिशन है टू मार्स। एजेंडा क्या है इनका कि मार्स का जो है एटमॉस्फेयर है उसका एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया जाए। अब जब मार्स के एटमॉस्फेयर का एक मॉडल बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। तो एनालिसिस किस तरह का है, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से सोलर विंड से एसोसिएटेड है और किस तरह से आउटर स्पेस से एसोसिएटेड है, ठीक है? सोलर विंड से क्यों एसोसिएटेड है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे तो 2017 में नासा का एक मेवन स्पेसक्राफ्ट आया था, उन्होंने बोला कि जितनी भी सोलर विंड और रेडिएशन थी, राइट, अब वो मार्स के एटमॉस्फेयर से स्ट्रिप हो चुकी है, हट चुकी है, राइट? तो किस तरह से हटी है, व्हाट आर द चेंजेस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मार्स का प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, राइट, द एटमॉस्फेरिक गैस, इट इज गेटिंग लॉस्ट टू द स्पेस। तो किस तरह से मार्स का एटमॉस्फेयर इज डीकेइंग इन टू स्पेस, ये भी डिस्कस होना है। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि हमने बोला कि अब एब्सोल्युटली जो यहाँ पे हीट थी दैट हैज गॉन, ठीक है? इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है दैट विल बी टू कोल्ड, राइट? उससे क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है टू कोल्ड है और टू थिन है कि यहाँ पे लिक्विड वाटर हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन कुछ एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे, इस तरह के रिवर बेड्स मिले हैं, इस तरह के मिनरल्स मिले हैं जो कि तभी मिल सकते हैं अगर कभी ना कभी वहाँ पे लिक्विड वाटर रहा हो। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक कि पहले सोलर विंड्स की एसोसिएशन कैसी थी, क्या हुआ कि ये सोलर विंड्स मार्स के एटमॉस्फेयर से एब्सोल्युटली चली गई, और अब इवन दो हम जानते हैं कि वहाँ वाटर एग्जिस्ट करने में दिक्कतें हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो तभी एग्जिस्ट कर सकते थे अगर वाटर होता, तो हम ये भी देखेंगे कि जो एंशिएंट मार्स का एटमॉस्फेयर था उस समय किस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात थी, उस समय क्या यहाँ पे लिक्विड था। अब पता है एजेंडा क्या है लिक्विड ढूंढने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए या प्लैनेट के हैबिटेबल होने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विड बहुत ही ज्यादा है। तो यही देखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पास एनवायरमेंट में ये लिक्विड जो है मार्स पे एग्जिस्ट कर रहा था, टू अंडरस्टैंड कि क्या कभी वहां पे लाइफ थी या नहीं थी। क्योंकि क्या आइडिया क्या है कि दे वॉन्ट टू सी दैट इन फ्यूचर क्या ह्यूमंस वहां पे इनहैबिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, नासा का जो मेवन सैटेलाइट है। तो लेकिन ऑलवेज आस्क यूएस प्री के पर्सपेक्टिव से, तो बस आपको यह पता होना चाहिए होप कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। पर कभी भी मेन्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, मान लीजिए एक्स वाई जी स्पेस क्राफ्ट के बारे में जो कि कहीं ना कहीं मार्स से एसोसिएटेड हो, वो क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा है, तो मोस्टली जो है ये
सिमिलर लाइंस वही चीज़ें होती हैं. सो यू कैन ऑलवेज कोट दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल जो ये जूनो स्पेस क्राफ्ट था उस पर एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जूनो के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीन्स में ऑब्जेक्टिव्स आपको लिस्ट करने थे. तो यूजली जितने भी उस पर्टिकुलर प्लैनेट से एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, राइट. सो वन पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपको एब्सोल्युटली पता हो. यदि नहीं भी पता तो इफ़ यू रेड सर्टन न्यूज आइटम्स लाइक दिस आपके लिए ईजी हो जाता है तो कोट पॉइंट्स वहाँ पे. अब फ्यूचर प्लान एक्सपेडिशंस क्या है, नासा का एक परसिवरेंस रोवर है जो कि कहीं ना कहीं मार्स पे अगेन इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें पता करने की बात करेगा. बट अगेन वील हैव टू सी जब वो न्यूज़ में आएगा. फिलहाल बस आप याद रख लीजिए प्री के कॉन्टेक्स्ट से कि ये परसिवरेंस रोवर किससे एसोसिएटेड है, जी नासा से. ठीक है जी, समझ में आया. चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं. आज़ाद पटन की बात है. सबसे पहले तो ना न्यूज़ में ये लिखा नहीं हुआ था बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस. एक सीपेक करके है. सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, जिसमें कि कौन हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली चाइना. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंफ्रा को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, इंफ्रा को बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंफ्रा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए इंफ्रा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रा एज वेल की स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स भी बनाने की बात है. तो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डेवलप करने की बात कर रहा है, पहली चीज. सो दे कैन ऑलवेज आस्क यू दिस इन प्री एज वेल. ठीक है, दूसरी चीज कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे रिसेंट न्यूज है वो है आजाद पाटन हाइडल पा प्रोजेक्ट. कौन से रिवर पे है, झेलम रिवर पे. ये डेफिनेटली दे कैन आस्क यू दिस कि कौन से रिवर से एसोसिएटेड है. लेकिन दिक्कत क्या है कि ये रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, राइट, जिस पे इंडिया भी कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है. तो जितने भी ऐसे हाइड्रोपावर स्कीम्स हैं अगर आप टोटल काउंट करो तो चाइना ने अभी तक इस रीजन पे स्पेसिफिकली झेलम रिवर पे 4 हाइड्रोपावर स्कीम्स की बात की हुई है. तो इंडिया ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड अदर इंफ्रा, लेकिन अभी तक इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया गया है. नाउ हाउ डू यू यूज दिस. कभी भी अगर आपको सीपेक कॉरिडोर पे क्वेश्चन आता है या आप कहीं पर भी चाइना पाकिस्तान एंगल को कोट कर रहे हो, कोट करने के बाद लेट्स से आप सीपेक कॉरिडोर की बात कर लो कि चाइना ने फेवर किया है पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ सीपेक कॉरिडोर, यू कैन ऑलवेज कोट दिस पर्टिकुलर हाइडलपावर प्रोजेक्ट. यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स. द मोर एग्जाम्पल्स यू कोट द मोर मार्क्स यू टेंड टू गेट. तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्सो कभी भी अगर ऐसे इंडिया और कश्मीर के इशू पे कोई मुद्दा आता है तो यू कैन ऑलवेज कोट कि पाकिस्तान अभी भी पीओके रीजन में कंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें चाइना हैज़ बिन हेल्पिंग देम, एंड यू कैन अगेन कोट सीपेक. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ व्हाट विल फेच यू मार्क्स. तीसरी चीज़ की बात करते हैं. मैं आपसे श्रिंकिंग पॉपुलेशन की बात कर रही थी, राइट. तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक न्यूज़ एनालिसिस पब्लिश हुआ है लैंसेट में जो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पीक मच अर्लियर देन एस्टिमेटेड. वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स वाई, मान लीजिए एक्स साल पे बोला गया था कि जो आपकी पॉपुलेशन होगी पीक कर रही है, बट अब ये जो एक्स साल है ये काफ़ी पहले ही आ चुका है. 36 साल पहले ही पॉपुलेशन पीक कर जाएगी जो कि पॉपुलेशन पीक की हुई थी 2100 के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट की हुई थी. ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पीक पॉपुलेशन है वो 2048 में ही आ जाएगी. लेकिन ध्यान देना कि पॉपुलेशन पीक तो हो गई, पर आप समझ रहे हो पॉपुलेशन पीक हो रही है तो पैरेलली बहुत सारी चीज़ें और भी तो हो रही है. मान लीजिए कि हेल्थ सेक्टर में कुछ और चीज़ें हमें मिल जाएंगी, या मान लीजिए कि किसी ना किसी तरह इंफ्रा बढ़ जाएगा, अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी. तो ये चीज़ें जब पैरेलली होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट हुई हुई थी कि बढ़ जाएगी वो भी डिक्लाइन हो जाएगी. क्यों, ये भी चीज़ हम बात करेंगे. कैसे, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड्स हैं, मान लीजिए फीमेल एजुकेशन अटेनमेंट्स के, राइट, और फीमेल का जो एक्सेंस होगा टूवर्ड्स कॉन्ट्रासेप्शन, उस वजह से कहीं ना कहीं जो हम पॉपुलेशन पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगी, राइट. डिक्लाइन इन फर्टिलिटी तो होगी ही होगी, प्लस आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी. इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केटर कर रहे हैं. ठीक है जी, समझ में आया. अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि ये जितना भी इन्होंने डिस्कशन किया है इस डिस्कशन को उन्होंने कैसे एनालाइज किया है. बहुत सिंपल है, इन्होंने पॉपुलेशन ट्रेंड्स को देखा है 195 कंट्रीज में. ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे सिनारियोज को किया है, सिनारियोज के बेसिस पे डेटा लिया है कि किस तरह से अगर माइग्रेशन होगी, फर्टिलिटी होगी और मोर्टैलिटी रेट्स होंगे. इन तीनों के डिफरेंट सिनारियोज को लेते हुए इन्होंने इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बारे में बात की है. अब ध्यान देना, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस एंड दिस इज जस्ट प्रिडिक्शन.
ठीक है, कभी भी अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करते हो अपने एग्जाम में, यू विल हैव टू मेंशन कि ये पर्टिकुलर कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है. व्हेन यू कोट देम विदाउट अ रिपोर्ट, तो उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है. एंड यू विल स्पेसिफिकली हैव टू मेंशन कि दिस इज़ एन एनालिसिस जो कि इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंगली सेट किया गया है. तो इनको आप कभी नोट कर लीजिए, कभी पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं या कभी आपको अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और अर्बनाइजेशन में जब आप लिखते हो कि अर्बनाइजेशन के इशूज क्या हैं, तो आप वहाँ ये भी कोट करोगे कि अर्बनाइजेशन हो रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी आएंगी अर्बनाइजेशन को फुल पोटेंशियल को अचीव होने से. क्योंकि आप क्या बोलोगे कि अर्बनाइजेशन के रिसोर्सेज तो आ गए, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज भी तो पैरेलली हो रहा है. एंड इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होगा, ये पर्टिकुलर एनालिसिस इन दी लैंडसेट. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. देन इन चीज़ों को अब आप कहीं ना कहीं कम कैसे कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली कम करना, पर कहीं ना कहीं इनको सस्टेन कैसे कर सकते हो, है ना. टोटल फर्टिलिटी रेट आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इन चीज़ों को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉट टर्म्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन दी आर्टिकल, ठीक है जी. चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं. अब कार्बन टैक्स की बात हो रही है, राइट. तो बहुत सिंपल है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रेकमेंड किया था, भाई आप अपनी कंट्रीज में कार्बन टैक्स लगाइए. कार्बन टैक्स में क्या होगा, जितना भी आपने कार्बन एमिशन किया उस पर यू विल बी पेइंग अ टैक्स. लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखो ना, तो इस टैक्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं, क्योंकि ऐसी जितनी भी कंट्रीज बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, उनको ऑलरेडी इतनी सारी सब्सिडीज होती हैं कि इवन इफ़ दे एंड अप पेइंग दिस टैक्स, उनका जो इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट्स होते हैं, राइट, उसमें कार्बन टैक्स लगाना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है. अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ, आप कार्बन टैक्स ऊपर से क्यों लगा रहे हो, बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि जब इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, सो मे बी दे कैन इन्वेस्ट दैट सॉर्ट ऑफ मनी टूवर्ड्स दी ग्रीन एनवायरमेंट. लेकिन हो क्या रहा है कि ऑलरेडी अगर आप इस देखो तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जो इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सब्सिडीज देती हैं दैट इवन इफ दे एंड अप पेइंग योर कार्बन टैक्स, तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है, हमें कैसे पता है, बिकॉज एक पेपर पब्लिश हुआ है, बाय US नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, और उन्होंने 48 कंट्रीज में, राइट, 163 इंडस्ट्रीज को स्टडी किया, एंड दैट इज हाउ दे हैव कम अप विद सच अ थिंग. सो व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन टैक्स, आप इन स्टडीज को कोट कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि वो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हर कंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कर वेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉबिंग पावर ऑफ ऑल द कंसर्न पीपल, ठीक है, उस पर्टिकुलर फॉर्म का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो हमारी इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, उनका जीडीपी में क्या शेयर है, इन सभी चीज़ों पर भी ये सब्सिडीज डिपेंड करती हैं. तो हमेशा सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करती, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. एक्चुअल सब्सिडीज इस चीज़ पर डिपेंड करेंगी कि उसका आपकी इकोनॉमी पे क्या रिलेशन है, ठीक है, या किस तरह का अफेक्ट है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको समझ में आया. चलिए, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कि चाइना और US के बारे में कुछ चीज़ें बोली हुई हैं, और बोला हुआ है कि जो कोविड के बाद का समय है, राइट, हाउ इज़ इट चेंजिंग. नाउ यूजुअली हमें ऐसा लग रहा है, या ये आर्टिकल पर्टिकुलरली ऐसा कह रहा है कि बीजिंग का जो रीसेंट बिहेवियर है, चाइना का रीसेंट बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल अदर कंट्रीज, ठीक है, ये गालवान वैली के मुद्दे की वजह से तो बाहर आया ही है, पर पैरेलली क्योंकि ये जो चाइना की पूरी कोरोना वायरस की जो भी मुद्दे चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आया है, ठीक है. और वो कह रहे हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट रोष भी बढ़ा है डिफरेंट कंट्रीज का, एंड दिस हैज़ बीन अ कैटलिस्ट फॉर चेंज इन ऑल दीज कंट्रीज़ बिहेवियर्स टुवर्ड्स चाइना. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि उनकी डिपेंडेंस इकोनॉमिकली रिड्यूस हुई है चाइना पे, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी. इंडिया के बारे में आपको पता है, अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात हो रही है, बहुत सारी ऐप्स जो हैं बंद हो चुकी हैं. तो इंडिया के अलावा जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स ने भी ऐसे बहुत सारे जो है कदम उठाए हैं. ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने रिसेंटली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट भी किया है टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस, ठीक है. ऑल्सो जो कोऑर्डिनेटरल डायलॉग है बिटवीन दीज फोर कंट्रीज, ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है. प्लस एसियान भी कह रहा है कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी से रिलेटेड, उनको भी अब
यूएन क्लॉज के हिसाब से ही सॉल्व किया जाए रादर देन डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंट्री की ज़्यादा सुप्रीमेसी है। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि फिलीपींस ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में स्प्रैटली आइलैंड्स के EEZ पे किसका हक होना चाहिए उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की थी, एंड PCA का जजमेंट आया फिलीपींस की तरफ एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ चाइना, लेकिन चाइना ने उस चीज़ को नहीं माना, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चाइना ने डायरेक्टली डिसोबे किया एक पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन ने जो भी जजमेंट दी थी उसको, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जब ASEAN कह रहा है कि इन सब जो मुद्दे हैं साउथ चाइना सी में इनका रेजोल्यूशन एज पर द लॉज ही होना चाहिए, एज पर द लॉज ऑफ UN क्लॉज। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो रोज है टूवर्ड्स चाइना बाय ऑल दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ और सिर्फ एक रोज नहीं है बट उनके अगेंस्ट स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। देन बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ना एशिया की बेसिक दिक्कत रही है कि एशिया हमेशा ही एक साथ आया है, हमेशा जब भी क्राइसिस रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ASEAN जो है बहुत पहले बन गया था 1967 में, बट उनकी मीटिंग सबसे पहले तब हुई जब फॉल ऑफ साइगॉन हुआ है ना, वियतनाम वॉर्स की बात कर रहा है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इसको आप कहीं याद रख सकते हो, मे बी यू कैन यूज इट समवे, ठीक है। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है, ये तो बाकी कंट्रीज की बात कर रहा है टूवर्ड्स चाइना उनका क्या बिहेवियर है, अमेरिका के बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि अमेरिका को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मान लीजिए हम चाइना की बात करें, वो कह रहे हैं चाइना पे वुहान और कोविड में बहुत सारे एक्यूजेशंस लगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि चाइना जो है उनकी, अगर मैं सिंपल शब्द में बताना चाहूँ कि अगर चाइना की जो सुप्रीमेसी है उसमें कमी आई है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे उन्होंने उसे सही से हैंडल नहीं किया, तो यहाँ पे US के पास एक बहुत अच्छा मौका था टू बी द बिग ब्रदर एंड इन सब चीज़ों को हैंडल करने का, लेकिन US ने क्या किया, US ने अपना हाथ WHO से वापस खींच लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ग्लोबल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। प्लस अब US ने क्या किया, इंडिया में जो भी वीज़ा इश्यूज थे उनको भी कैटर नहीं किया, तो अल्टीमेटली US के पास बहुत अच्छा मौका था एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट करने का, बट US ने उसको भी कहीं ना कहीं सही से हैंडल नहीं किया। तो वो कह रहा है आर्टिकल में कि बहुत इंपॉर्टेंट है US के लिए कि US जो है कहीं ना कहीं कमांडर बनने की कोशिश ना करे बट एक सपोर्टिंग स्टेट बने, जिसमें कि US का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ काउंटर करना ना हो बीजिंग को, बट बाकी सभी एलाइज बनाने का भी हो इन द साउथ एशियन रीजन्स, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है US को। दूसरी वो चीज़ क्या कह रहे हैं कि वुहान वायरस की वजह से, राइट, या और भी बहुत मुद्दों की वजह से चाइना जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं US शुड लीव ऑल द काउंटर प्रोडक्टिवनेस टू चाइना, दे शुड नॉट ट्राई टू डिमीन चाइना, रादर चाइना के अपनी ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना को कहीं ना कहीं डिमीन कर रही हैं, तो US विल हैव टू बी ट्राई टू बी हैविंग अ बिग ब्रदर एटीट्यूड, ठीक है। तो फाइनली वो क्या कह रहे हैं कि US और जितने भी एशियन पार्टनर्स हैं उनको अब कोशिश करनी पड़ेगी कि रादर देन वर्किंग अगेंस्ट चाइना दे विल हैव टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क together towards building different sort of regional partnerships and institutions, जिससे कि कहीं ना कहीं world में recovery हो सके, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए आज का आखिरी आर्टिकल करते हैं, बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं टू डीकपल देमसेल्व्स एंड टू डाइवर्सिफाई जो उनकी सप्लाई चेन्स हैं फ्रॉम चाइना, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है बाय इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। कल भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि वो खुद को डीकपल करें और अपनी सप्लाईज कहीं और से मंगवाएं, तो इसके लिए इंडिया और EU ने स्टेप्स लिए हैं, जहां में आप देखोगे कि दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन इंडिया, कि अब EU की फर्म्स शुरू करें इन्वेस्ट करना है इंडिया में। रादर इंडिया कह रहा है कि जितनी भी फर्म्स आपकी चाइना में हैं कोशिश कीजिए कि वो रिलोकेट हो जाएं टूवर्ड्स इंडिया, और जितने भी ट्रेड के पर्सपेक्टिव में इंडिया और EU के बीच में इरिटेंट्स हैं, मुद्दे हैं, उनको रिजॉल्व किए जाएं एंड इन कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। प्लस स्ट्रेटर्जिकली भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जहाँ पे मैरिटाइम डायलॉग जो है बिटवीन डिफरेंट नेवीज ऑफ यूरोप एंड इंडिया भी किया जाए, एंड इवेंचुअली डेटा प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी की टर्म्स में भी बात हो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अब इन चीज़ों से इंडिया और EU अपने रिलेशंस को बेटर कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को डीकपल कर सके और डिवर्सिफाई भी कर सके अपनी सप्लाई चेन्स फ्रॉम चाइना, ठीक है जी, समझ में आया। अब जितने भी आप नोट्स बना रहे हैं, राइट, इनको उन चीज़ों में ऐड करते रहिए, पूरे के पूरे आप देखेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर आपके पास एलैबोरेट नोट्स बन जाएंगे फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, ओके दोस्तों, बाय बाय।